70 का संग्राम में आज आपको दिखाएंगे हरिद्वार की लक्सर विधानसभा सीट का गणित। इस सीट से अभी भाजपा के संजय गुप्ता विधायक हैं। संजय गुप्ता वैसे तो दो टर्म से विधायक हैं, मगर जनता का मूड इस बार क्या बन रहा है इसी पर करेंगे बात। हरिद्वार के लक्सर विधानसभा सीट पर पिछले दो टर्म से भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर मौजूदा समय में भाजपा के संजय गुप्ता विधायक हैं। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जीत हुई थी, मगर चैंपियन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2007 में चैंपियन कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए, मगर 2012 में लक्सर और खानपुर सीट अलग अलग हो गई। ऐसे में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर से चुनाव लड़े, जबकि भाजपा ने सीट पर संजय गुप्ता को उतार दिया। संजय गुप्ता सबसे पहले मोदी लहर के चलते 2012 में चुनाव जीते थे। 2017 में भी उन्होंने अपनी जीत को बरकरार रखा। विधायक संजय गुप्ता कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम कराए। लक्सर में खेल का मैदान विधानसभा क्षेत्र में और खेल का मैदान राजकीय महाविद्यालय जो कि मेरे क्षेत्र के छात्र छात्राएं उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और शीघ्र ही हम महाविद्यालय का भी निर्माण होने जा रहा है। और एक रोड जो है हरिद्वार भोगपुर राइस बालावाली तक बांध के गंगा बांध के तौर पर मैंने उसकी मांग की है। मगर इस बार संजय गुप्ता की कुर्सी खतरे में, क्योंकि उनके दोनों टर्म का कार्यकाल बेहद ही निराशाजनक रहा, जिससे इलाके की जनता में विधायक के खिलाफ आक्रोश है। वहीं कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि 2017 के चुनाव में लक्सर विधानसभा सीट पर नतीजे क्या रहे थे। 2017 में भाजपा ने संजय गुप्ता को मैदान में उतारा था। संजय गुप्ता ने कांग्रेस के तस्लीम को शिकस्त दी थी, तो भाजपा की जीत हुई थी। संजय गुप्ता विधायक चुने गए, उन्होंने कांग्रेस के तस्लीम को शिकस्त दी थी। और अब आपको दिखाते हैं कि विधायक संजय गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। संजय गुप्ता दो टर्म से विधायक हैं, मगर क्षेत्र की जनता में उनकी पकड़ काफी कमजोर मानी जा रही है। कोरोना काल में भी वो जनता के बीच बेहद कम नजर आए। विधायक ने सड़कों के मामले में सिर्फ कुछ छोटी मोटी सड़कें ही बनवाई हैं, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने ही गांव में कच्चे रास्ते या उबड़ खाबड़ सड़कों से लोग चलते हैं। नाराजगी इसको भी लेकर है कि संजय गुप्ता विधानसभा के अंदर क्षेत्र के जनता के मुद्दे भी नहीं उठा पाए। बाणगंगा में अवैध खनन खूब होता है, मगर संजय गुप्ता इस पर भी लगाम नहीं लगा पाए। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विधायक के नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। लक्सर विधानसभा से विधायक संजय गुप्ता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, मगर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं इन दावों को लेकर वो भी आपको दिखाते हैं। कला में कन्या स्कूल है, उसको उच्चीकृत करके कन्या इंटर कॉलेज बनाने की मांग की है। और मोहम्मदपुर बुजुर्ग और सीरड़ू गांव में वहाँ भी स्कूलों का उच्चीकरण करने की मांग की है। बाण गंगा से परे का जो इलाका है, इसमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं। डिग्री कॉलेज जाकर हमारा लक्सर या रैसी पढ़ता है, जो कम से कम 15 किलोमीटर चारों तरफ पढ़ता है। आने जाने में बच्चों को भी बड़ी दिक्कत रहती है। इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए हमारी कोशिश होती है कि कम से कम वहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र बड़ा। अब आपको दिखाते हैं कि लक्सर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। सरकारी टंकियां लगने के बावजूद भी कितनी ही टंकियां खराब पड़ी हैं। अभी भी लोग नल का पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लक्सर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है।
किसी हादसे या गंभीर बीमारी की सूरत में मरीज को रुड़की या जौली ग्रांट रेफर करना होता है, जिससे कितनी बार मरीज की जान चली जाती है। लक्सर कस्बे में शुगर मिल के वेस्टेड से होने वाली गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। इसका आज तक समाधान नहीं हुआ। क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद समेत दूसरे रसायनों की उपलब्धता की भी किल्लत रहती है। विधायक इस पर कुछ काम नहीं करते। इलाके के कई गांव आज भी टूटी फूटी सड़कों के सहारे आवाजाही करते हैं, मगर विधायक ने इस ओर सुध नहीं ली। कोरोना काल के वक्त भी विधायक लोगों के बीच मौजूद नहीं रह पाए। अब आपको दिखाते हैं कि लक्सर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक को कितने नंबर देती है। लक्सर विधायक ने अपना और अपने परिवार का विकास किया है, अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। हमारे लक्सर विधानसभा की अगर ड्रोन कैमरे से आप निगरानी कराएं तो कहीं पर भी इक्का दुक्का 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर की सड़कों को छोड़कर कोई उल्लेखनीय विकास ये विधायक नहीं करा पाया है। सर्वाधिक विकास अगर किया है तो संजय गुप्ता जी विधायक ने किया है, और नगर लक्सर में भी लगभग मैं मानता हूँ 200 से ज़्यादा सड़कें छोटी बड़ी मिलाकर उन्होंने बनवाई।